डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय सुदामा सर। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फेम होते हैं हर प्रकार के एग्जामिनेशन में, चाहे वो SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक इंपॉर्टेंट था। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये रक्त परिसंचरण तंत्र की, ये होता क्या है। तो देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, साफ समझ में आ रहा है हमें कि ये किसके लिए बना है। तो ये ब्लड के लिए बना है, रक्त के लिए बना है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड है, जो जिस सिस्टम, जिस तंत्र के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसे कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ये सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है या इसका परिसंचरण करता है। अच्छा, अभी किसके किसके माध्यम से, किसके किसके द्वारा होता है? तो देखिए, इसमें भाग लेने वाला जो कंपोनेंट्स हैं, या कहा जाए जो इसके घटक हैं, वो हैं आपकी रक्त वाहिकाएँ, ठीक है ना, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक। और साथ ही साथ इसके बाद उस ब्लड को पंप करने के लिए एक ऑर्गन जो हमारा हार्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो रक्त वाहिकाओं से बना होता है जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, जिसके अंदर ब्लड पाया जाता है और फ्लो होता है। और इसको पंप करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट या हृदय, ठीक है। अच्छा, अब जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो मानव में पाया जाता है, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे, ठीक है। तो विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फादर या जनक भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा देखिए कि जब हम लोग बात करें ब्लड वेसल्स की, रक्त वाहिकाओं की, तो ये दो प्रकार की होती है। एक जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में इसको कहा जाता है धमनी, और दूसरा जिसको हम लोग वेन बोलते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है नसें या सिरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन है, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और कलेक्शन भी होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो करती हैं आर्टरीज, मतलब हमारी धमनियाँ जो होती हैं, ये ब्लड को हृदय से, मतलब हार्ट से लेकर के चलती हैं, और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं, उनमें ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करते। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगी, हमारी धमनियाँ करती हैं, आर्टरीज करती हैं, और जो वेन्स हैं जिनको हम लोग शिराएँ बोलते हैं, ये क्या करती हैं, इनके कलेक्शन का काम करती हैं, ठीक। अच्छा, अब इस माध्यम से, या कहा जाए तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होता क्या है, तो इससे देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं, जिनकी आवश्यकता, जिसकी नीड हमारे टिश्यू को या ऊतकों को पड़ती है, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से ही हमारे जो है ऊतकों तक पहुँचेगी, और इनको पहुँचाएगा कौन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पहुँचाएगा। और साथ ही साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, इसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया और कलेक्शन भी हो गया। तो ये सारा काम जो है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है, रक्त परिसंचरण तंत्र का है, ठीक है। ये तो बात हुई कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप की, इसके प्रकार की। तो देखिए, किसी भी एनिमल में, किसी भी जीव में यदि सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, परिसंचरण तंत्र होगा, तो ये दो प्रकार का हो सकता है।
एक जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ऐसे जीव में, ऐसे एनिमल में बॉडी में कैविटी पाई जाएगी, एक गुहा पाई जाएगी, खाली स्पेस, खाली भाग पाया जाएगा जिसके अंदर रेस्पिरेटरी फ्लूइड भरा होगा और ये एक हार्ट के माध्यम से, एक हृदय के माध्यम से पंप किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी खुली कैविटीज को हम लोग साइनस बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा कि एक साइनस या एक कैविटी होगी, एक खुला स्पेस होगा जिसके अंदर जो है हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड भरा होगा। ये सर्कुलेटरी फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो है कीड़ों के केस में या इस ग्रास ऑपर के केस में हीमोलिम्फ दिखाया गया है। तो इससे क्या है, ये कैविटी में भरा होगा और उसी कैविटी में सारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे, तो ये ऑर्गन के आसपास भी होगा और इसको पंप करने के लिए एक हार्ट होगा, एक हृदय होगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है, रक्त वाहिकाएं नहीं है, तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अच्छा, वहीं यदि हमारा ब्लड एनक्लोज हो किसी भी ब्लड वेसल में, ठीक है, तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड ओपन कैविटी में ना हो करके कहाँ होता है, तो ये जो है छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए केंचुए के केस में या हमारे केस में कह लिया जाए, मानव या ह्यूमन बीइंग के केस में, तो हमारा ब्लड जो होता है ये कैसा होता है, तो ये एनक्लोज होता है रक्त वाहिकाओं के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है पहली बात, और वो उन्हीं के अंदर रहते हुए जो है वो हार्ट द्वारा, हृदय द्वारा पंप किया जाता है। और फिर यही रक्त वाहिकाएं जो हैं ऑर्गन्स के अंदर जो है पाई जाती हैं और वहाँ पर ये जो है ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो क्योंकि हमारा ब्लड जो है रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में एनक्लोज होता है, इसलिए ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, तो वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, तो यदि क्वेश्चन फ्रेम होता है, कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या मानव रक्त परिसंचरण तंत्र तो किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, तो ऑप्शन में यही होगा ओपन टाइप या क्लोज टाइप, बोथ, नन, तो आंसर क्या होगा कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये पहली बात हुई। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखिए कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्लोज टाइप तो है, ठीक है, साथ ही साथ ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल जो है इसमें कंसिडर करते हैं कि हमारा ब्लड जो है यदि किसी भी ऑर्गन से चलता है, तो किसी भी ऑर्गन से जब ये चलता है तो सबसे पहले कहाँ तक पहुँचेगा, तो वो सबसे पहले पहुँचेगा हार्ट तक, और हार्ट के बाद ये पंप किया जाएगा, पंप करने के बाद ये पहुँचेगा कहाँ, तो हमारे लंग्स में, और लंग्स से वापस कलेक्ट किया जाएगा और वापस ये कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में, और फिर ये दोबारा पंप किया जाएगा तो फिर ये कहाँ पहुँचेगा, किसी भी बॉडी पार्ट तक पहुँचेगा। मतलब बॉडी पार्ट से चला हार्ट तक आया, हार्ट से चला लंग्स तक गया, लंग्स से वापस जो है हार्ट में आया, हार्ट से दोबारा पंप हुआ तब कहाँ पहुँचा, किसी बॉडी पार्ट में। तो किसी बॉडी पार्ट तक एक बार पहुँचने में इसको हार्ट से, हृदय से दो बार पंप होना पड़ा। तो क्योंकि ये हृदय से हार्ट से दो बार पंप होता है, इसलिए हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक चीज, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है, तो आंसर है क्लोज टाइप, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। और दूसरा ये कैसा है, तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्यों दोहरा परिसंचरण तंत्र है, तो किसी भी ऑर्गन तक दोबारा पहुंचने के लिए हमारे ब्लड को हार्ट से दो बार पंप होना पड़ता है। ठीक है ना, अच्छा, इसमें देखिए एक लूप जो बनेगा, जो हमारा हार्ट से लंग्स को जाना और लंग्स से वापस आना,
ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन या हिंदी में इसको कहा जाता है फुफ्फुस रक्त परिसंचरण, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, फुफ्फुस रक्त परिसंचरण, जो जो है किसके लिए है, तो वो लंग्स के पास ब्लड का जाना और लंग्स से वापस आना। और दूसरा जो हमारे बॉडी पार्ट के लिए है वो कहलाता है सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन या प्रणालीगत रक्त परिसंचरण, ठीक है। तो ये दो अलग अलग परिसंचरण हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, इसलिए हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोहरा परिसंचरण तंत्र है, एक पल्मोनरी और दूसरा सिस्टमिक, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पार्ट तक पहुंचने के लिए जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से 2 टाइम्स मतलब 2 बार पंप होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब आगे की बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं। देखिए अभी तक तो हमने यही डिस्कस किया है कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो रक्त वाहिकाओं के अंदर बंद होता है, एनक्लोज होता है, किसमें, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, तो एक तो आर्टरी और दूसरा वेन, ठीक है। अभी तक हमने डिवाइड सॉरी हमने डिस्कस यही किया है कि आर्टरीज और वेन में अंतर ये होती है कि आर्टरी जो है ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं और वेन जो है ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो हैं, रक्त वाहिकाएं जो हैं, ये ट्यूब जैसी संरचनाएं हैं, ओपन खाली संरचनाएं हैं, जिनके हमारे अंदर हमारा जो है ब्लड या रक्त तो जो है चलता है, पहली बात। और दूसरा जो है, ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो हमारी धमनियां जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं, दूसरा हमारी शिराएं जिसको हम लोग वेन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, एक आर्टरी और वेन जब ऑर्गन लेवल तक पहुंचती हैं, अंगों तक पहुंचती हैं, तो वो छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है या केशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो आर्टरी और वेन जो है ये फर्दर जा करके डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में, या जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है इसमें। और ये केशिकाएं जो हैं हमारे अंगों के अंदर तक घुसी हुई होती हैं, और अंग मतलब हमारे अंगों में क्या पाई जाएंगी, तो कैपिलरीज ही पाई जाएंगी, ठीक। तो एट द एंड जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट या कलेक्ट करने का काम करता है किस ऑर्गन लेवल पर, वो केशिकाएं करती हैं, ठीक। तो हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं ये ब्रॉडली दो ही प्रकार की होती हैं, आर्टरी और वेन, और जब ये फर्दर डिवाइड होती हैं तो ये डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में या केशिकाओं में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी और कलेक्शन के समय भी ये दोनों काम कैपिलरीज ही करती हैं, आर्टरी भी डिवाइड होगी तो कैपिलरीज में डिवाइड होगी और वेन भी डिवाइड होगी तो कैपिलरीज में डिवाइड होगी। यही कैपिलरीज जो हैं ऑर्गन लेवल तक पाई जाती हैं, यही उनके अंदर धंसी हुई होती हैं, और यही डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती हैं और कलेक्शन का भी काम करती हैं। चलिए बात हम लोग यदि आर्टरी और वेन की करें तो इनकी संरचनाओं में भी अंतर होता है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होगा, साथ ही साथ जो है और बहुत सारे जो है इनके बीच में कंपैरिजन है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले बार देखिए, अभी तक हमें ये पता है कि आर्टरी जो होंगी, धमनी जो होगी, वो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी और वेन जो है ब्लड का कलेक्शन करेंगे, ठीक। इसका मतलब ये है कि आर्टरी जो है इसमें यदि हम लोग ब्लड फ्लो को देखें तो हम लोग पाएंगे कि ये हृदय से दूर जाएंगे, ठीक है। तो आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है ये अवे फ्रॉम हार्ट होता है, हृदय से दूर होता है, और वेन क्योंकि कलेक्शन का काम कर रही है, ब्लड को इकट्ठा कर रही है, तो इनमें जो फ्लो होगा इनमें ब्लड जो है हृदय की तरफ आ रहा होगा। तो जो ब्लड को हृदय की तरफ लेकर के आए वो शिराएं होती हैं, वेन होती हैं, जो हृदय से दूर लेकर के जाएं वो आर्टरी होती हैं। ये मेजर डिफरेंस है। अच्छा दूसरी बात जो है, आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है,
और वेंस में जो ब्लड प्रेशर होता है ये कम होता है। धमनियों का रक्तचाप अधिक होता है किसकी तुलना में, तो शिराओं की तुलना में, वेंस की तुलना में। अच्छा, यह स्ट्रक्चर में आप एक चीज़ ये भी देख रहे होंगे, ध्यान दीजिए इसमें, कि यहाँ पर देखिए आर्टरीज जो होती हैं इनकी वॉल जो होती है ये थिक होती है, मोटी होती है, और वेंस जो होती हैं इनकी दीवारें जो होती हैं ये पतली होती हैं। ठीक है, अब दीवारों के मोटे होने के कारण, दीवारों के मोटे होने के कारण जो आर्टरीज हैं इसका जो ल्यूमेन जो खोखला वाला भाग है ये कैसा हो जाएगा, तो ये नैरो हो जाएगा, और वेन जो है इसका ये खोखला वाला भाग है जिसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं ये कैसा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा ल्यूमेन जो है ये किस में पाया जाएगा, वेन्स में, शिराओं में ल्यूमेन बड़ा होता है, और नैरो ल्यूमेन या छोटा ल्यूमेन किस में पाया जाएगा, तो आर्टरीज में होता है। अच्छा, दूसरा देखिए, क्योंकि कलेक्शन का काम बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है और बहुत स्मूथली चल रहा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वेंस में आपको एक स्मूथ फ्लो दिखाई देगा, ठीक है ना, एक रेगुलर फ्लो दिखाएगा, सुचारू प्रवाह दिखाई देगा। वहीं आर्टरीज में जो फ्लो होता है ये पल्स के रूप में होता है, स्पंदनशील होता है, ठीक है ना, एक फ्लो आएगा फिर थोड़ा का पॉज, फिर एक फ्लो, फिर हल्का का पॉज, फिर एक फ्लो, इस टाइप से, ठीक है। तो आर्टरीज में जो फ्लो होता है ये पल्स फ्लो होता है, और वेंस में जो पल्स जो फ्लो होता है ये कैसा होता है, तो ये स्मूथ फ्लो होता है, ये भी एक अंतर है। दूसरा एक खास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंतर है, वो है कि आर्टरीज में किसी भी प्रकार का वॉल्व नहीं पाया जाएगा, देखिए बीच में कहीं वॉल्व नहीं पाया जाएगा, लेकिन वेन में जो है वॉल्व पाए जाते हैं। अच्छा, ये वॉल्व होते क्यों हैं, तो देखिए ये वॉल्व जो होते हैं जब हमारा ब्लड जो वेंस में फ्लो हो रहा है ये कलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट हो रहा है, और इन द केस यदि जो है ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ ना जाए तो उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए जो है वेंस में, सिराओं में जो है वॉल्व पाए जाते हैं, और ये वॉल्व जो हैं ये वॉल्व हमारी धमनियों में एब्सेंट होते हैं, धमनियों में नहीं पाए जाते हैं। तो एक मेजर डिफरेंस है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि वॉल्व किस में पाए जाएंगे, ठीक है, तो वॉल्व पाए जाएंगे किस में, वेन में, और आर्टरी में यही वॉल्व जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा देखिए, क्योंकि हमारी आर्टरीज जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना चाहिए, इसमें चलने वाले ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना चाहिए, और वेंस जो हैं ये कलेक्शन का काम कर रही हैं तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ठीक। तो जिस जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है, ज़्यादा होता है, वो हमारा जो है ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, जिसको कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यदि हमारा ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन होगा तो कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी भी धमनियां हैं, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाता है, और शिराओं में, वेंस में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजनहीन रक्त पाया जाता है, ठीक। अब इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन ये है कि देखिए जब हमारा ब्लड जो है हार्ट से पंप होगा लंग्स की तरफ, तो क्योंकि सारा ब्लड कलेक्ट हुआ है हमारे बॉडी पार्ट से, और वो जब लंग्स के पास जाएगा तो लेकर जाएगी आर्टरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी धमनी है, एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एकमात्र धमनी जिसमें ऑक्सीजनहीन रक्त पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। सेम इसी तरीके से जब ब्लड वापस लंग्स से हृदय में आएगा, हार्ट की तरफ आ रहा होगा, तो जो वेन, जो सिरा इसको लेकर के आएगी है वो सिरा, लेकिन उसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और इसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसे सिरा है, पल्मोनरी वेन इज ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड
रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया अंतर। दूसरा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी धमनी का नाम। तो देखिए, सबसे बड़ी धमनी का नाम है, सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा, या हिंदी में इसको कहा जाता है महाधमनी। और सबसे बड़ी वेन है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा जो निचली वेना कावा होती है, जो हमारे निचले धड़ से, निचले वाले भाग से पूरे ब्लड को कलेक्ट करती है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी शिरा होती है, वेन होती है इन्फीरियर वेना कावा, और सबसे बड़ी धमनी होती है एओर्टा या महाधमनी। कई बार इन्फीरियर वेना कावा या वेना कावा को महाशिरा भी कहा जाता है, बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो या तो वेना कावा लिखा होगा या तो महाशिरा लिखा होगा। इन्फीरियर मेंशन करता है कई बार मेंशन नहीं करता है। वेना कावा दो होती हैं, ऊपर की तरफ से कलेक्ट करने वाली सुपीरियर वेना कावा होती है, और नीचे की तरफ से कलेक्ट करने वाली इन्फीरियर वेना कावा होती है। जैसे ये जो बैकग्राउंड में आप इमेज देख रहे हैं हार्ट का, इसमें जो नीचे वाली वेना कावा है, ये जो है इन्फीरियर वेना कावा है और ये सुपीरियर वेना कावा। तो जो इन्फीरियर वेना कावा है ये वाला, ये सबसे बड़ी सिरा है, और ये रही हमारी महाधमनी, जिसको हम लोग एओर्टा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी धमनी का नाम है एओर्टा, और सबसे बड़ी शिरा का नाम है इन्फीरियर वेना कावा, या महाशिरा कहा जाता है, और एओर्टा को कहा जाता है महाधमनी। ठीक, तो फिर आगे की बात करते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो रक्त वाहिकाओं के बारे में डिस्कस किया, अब बात करते हैं हार्ट के, हृदय के। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हार्ट जो है, हृदय जो है, ये पंप करने का ऑर्गन है। हमारे ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? तो हमारा हार्ट करता है, पहली बात। दूसरा, देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बनी संरचना। स्वाभाविक सी बात है, मांसपेशियों से बना होगा तभी तो इसमें गति होगी, तभी तो ये पंप करेगा, अदरवाइज ये पंप भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा हार्ट जो, हृदय जो है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बनी संरचना है, और इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। साइज देखा जाए तो हमारे फिस्ट या मुट्ठी के आकार का होता है। अच्छा, और कहाँ पाया जाएगा? तो जो हमारी सीने की हड्डी होती है, जिसको कहा जाता है स्टर्नम, इसके ठीक पीछे पाया जाता है। तो स्टर्नम बोन या स्टर्नम हड्डी के ठीक पीछे पाया जाता है, और ये बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि हमारा हृदय जो है इसकी लोकेशन एग्जैक्टली बीच में, जस्ट बिहाइंड स्टर्नम बोन, लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ जो है ये झुका हुआ है। ठीक है, अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का वजन जो होता है, ये होता है 300 से लेकर, मतलब 300 से लेकर के 350 ग्राम, मतलब 350 ग्राम तक होता है। ठीक है ना, तो वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है ये 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम का होता है। एक वर्ड में, एक नंबर में कहा जाए तो अप्रॉक्स 350 ग्राम। ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बींग में लगभग 350 ग्राम का जो है हृदय या हार्ट पाया जाएगा, 350 ग्राम का। अच्छा, दूसरा देखिए, ये तो बात हुई कि कैसा स्ट्रक्चर है और क्या काम करता है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो हार्ट है, हृदय जो है, इसमें चार चैम्बर, चार कक्ष पाए जाते हैं, कपाट भी कहा जाता है इसको। तो चार चैम्बर, फोर चैम्बर्ड हार्ट है हमारा हृदय जो है, ये फोर चैम्बर्ड हार्ट है। एट्रिया, एट्रियम या ऑरिकल, ये हिंदी में जिसको कहा जाता है आलिंद। तो दो आलिंद या एट्रिया, एट्रियम, ऑरिकल, ये सारे नाम देखने को मिलते हैं। ये जो है हृदय के ऊपरी दो कक्ष होते हैं, जो ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक एट्रिया जो है बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करेगा, और एक एट्रिया जो है लंग्स से ब्लड को रिसीव करेगा। तो रिसीविंग जो चैम्बर्स हो गए, ये कौन से हो गए? एट्रिया हो गए, एट्रिया कह लीजिए, एट्रियम कह लीजिए, ऑरिकल कह लीजिए, या हिंदी में आलिंद कह लीजिए। अच्छा, दूसरा, जो निर्वहन या डिस्चार्ज का काम करेंगे,
ये कहलाते हैं वेंट्रिकल, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, निलय कहा जाता है, और ये नीचे के दो चैम्बर होते हैं। तो दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल मिला करके टोटल कितने चैम्बर हो गए, चार चैम्बर, चार कक्ष का हमारा हृदय होता है। और ये चारों कक्ष जो है, ये चारों चैम्बर्स जो हैं, जिन मस्कुलर वॉल से, जिस मसल की मांसपेशी की दीवार से अलग किए जाते हैं, ये बीच की दीवार कहलाती है सेप्टम। तो हमारे जैसे मान लीजिए ये दो चैम्बर हैं, राइट एक वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इनके बीच की जो दीवार है, इस दीवार को कहा जाता है सेप्टम। तो हमारा हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है, फोर चैम्बर्स में डिवाइडेड है, चार कक्षों में विभाजित है, और इनको अलग करने वाले दीवार को क्या कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा देखिए बात यदि हम लोग जो है इसके टिश्यू की करें, टिश्यू लेवल की करें, हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट की करें, तो हमारे हृदय की दीवारों में जो है, अब ये मांसपेशी से बनी दीवार है लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये पूरी दीवार जो है ये तीन लेयर्स में डिवाइड है। ठीक। सबसे बाहर की जो परत है इसको कहा जाता है एपिकार्डियम। ठीक। सबसे बाहर की दीवार जो है ये एपिकार्डियम है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी, संयोजी ऊतक से बनी होगी। ठीक। ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सुरक्षा करने का काम करती है। अच्छा, दूसरी लेयर जो है, जो अंदर मांसपेशियों वाली संरचना होगी, इसको कहा जाता है मायोकार्डियम। ये मसल्स की संरचना होती है, मसल लेयर होती है। ठीक है। तो बाहर की तरफ से पहली लेयर एपिकार्डियम, उसके बाद दूसरी लेयर जो है इसको कहा जाता है मायोकार्डियम, और तीसरा अंदर की परत इसको कहा जाता है एंडोकार्डियम। ठीक है। तो जो हमारे हृदय की दीवारें हैं ये तीन अलग अलग लेयर से बनी है, सबसे बाहर की तरफ एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, और तीसरी जो है अंदर की तरफ क्या है, तो एंडोकार्डियम। ठीक है। अच्छा, अब जो है एपिकार्डियम जो है ये किसकी बनी हुई, तो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, मायोकार्डियम जो है मसल की लेयर है, एंडोकार्डियम भी मसल्स की बनी होती है, और ये हार्ट वॉल को, चैम्बर्स को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, इनके बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लेयर, ठीक है, ये बाई लेयर होती है, दो परतों से बनी संरचना होती है, और इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। ठीक। तो हमारे हृदय के बाहर, हार्ट के बाहर दो परतों से बनी एक संरचना पाई जाती है, और इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और याद रखिएगा ये बनी होती है एपिथीलियल टिश्यू की, उपकला ऊतक की। ठीक है। तो हमारे हार्ट के बाहर, हृदय के बाहर एक उपकला ऊतक की बाइलेयर, दो परतों से बनी संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इस पेरिकार्डियम के अंदर एक लिक्विड, एक तरल पाया जाता है, जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। पेरिकार्डियल द्रव भी कहा जा सकता है। ठीक। अच्छा, अब देखिए इसका काम क्या है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जिसके कारण इसमें जो है एक प्रकार का मूवमेंट आएगा, और क्योंकि इसमें जो मूवमेंट आएगा तो आसपास जो भी ऑर्गन होंगे इनसे फ्रिक्शन होने का डर है, तो इस फ्रिक्शन को टोटली नेग्लेक्ट या ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, या हमारे हार्ट को इस फ्रिक्शन से बचाने के लिए पेरिकार्डियम जो परत पाई जाती है ये हमारे हृदय के बाहर पाई जाती है, जो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है, ठीक है ना, सुरक्षात्मक कवर है, जो हमारे हृदय को किसी भी प्रकार के होने वाले घर्षण या फ्रिक्शन से बचाता है, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक। तो ये हो गया हमारे हृदय की, हार्ट की हिस्टोलॉजी। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारा हृदय जो है, ह्यूमन हार्ट जो है, ये फोर चैम्बर्स का होता है। तो यदि हम लोग बाकी सारे एनिमल्स की कंपैरिजन करें, खासकर किसकी कंपैरिजन करें, तो वर्टिब्रेट्स की कंपैरिजन करें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स जो हैं ये अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो आते हैं, ह्यूमन बीइंग जो आते हैं, वो स्तनधारी जीव हैं, मैमल्स हैं,
और हमारे हार्ट में जो है फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा, चार कक्ष वाला हृदय पाया जाएगा, ठीक है। सेम बर्ड्स में भी कितने चैम्बर का हार्ट होगा, तो चार चैम्बर का फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा, ठीक है। तो मैमल्स में, स्तनधारी जीवों में फोर चैम्बर हार्ट, चार कक्ष वाला हृदय, और सारे पक्षियों में, सभी बर्ड्स में यह फोर चैम्बर हार्ट। अब देखिए, बात करें यदि सरीसृपों की, तो उसमें केवल क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में जो है फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, चार कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये देखिए अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि द ओनली क्रोकोडाइल ही एक ऐसा जीव है जिसकी कैटेगरी जो है ये रेप्टाइल्स है, लेकिन इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, चार कक्ष वाला हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो मैमल्स में, सभी मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट, और सरीसृपों में जो है मगरमच्छ में चार चैम्बर फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी सरीसृप होते हैं, इसमें टर्टल आएंगे, कछुए आएंगे, लिजर्ड आएंगे, तो सब में जो है तीन चैम्बर, तीन कक्ष वाला थ्री चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। अच्छा, अब इनका जो देखिए जो वेंट्रिकल होता है, नीचे का जो वेंट्रिकल पार्ट होता है, ये जो है एक से अधिक भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है, अब देखिए तीन चैम्बर हैं और जो नीचे का चैम्बर है वो फर्दर डिवाइड है, ठीक। तो इसलिए कई बार ऐसा भी ऑप्शन आया है कि फाइव चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, तो आंसर है टर्टल, लिजार्ड, या कहा जाए तो सरीसृप, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं इनमें फाइव चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक्चुअली हार्ट चैम्बर की संख्या तीन ही है, ये जो वेंट्रिकल जो है ये जो है मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए फाइव चैम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा, जितने भी उभयचर हैं, एम्फीबियंस हैं, जैसे मेंढक, फ्रॉग, तो इसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, और सभी मछलियों में, फिशेस में जो है दो चैम्बर का या दो कक्ष वाला हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके जो हृदय का विकास हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट हुआ है। सबसे पहले जिनका विकास हुआ ये मछलियां हैं, तो मछलियों में जो है दो चैम्बर का हार्ट, ये जैसे ही एम्फीबियंस आए, ठीक है ना, उभयचर आए, तो हार्ट चैम्बर्स की संख्या हो गई जो है तीन। तो एम्फीबियंस या उभयचर में हार्ट चैम्बर्स की संख्या हो गई तीन। इसके बाद जो है जैसे ही हम लोग सरीसृप में गए, रेप्टाइल्स में गए, तो ये तीन चैम्बर ही थे, लेकिन धीरे धीरे जो है नए चैम्बर्स का विकास शुरू हुआ है, तो इसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन नीचे का जो वेंट्रिकल है ये एक से ज़्यादा भाग में डिवाइडेड है। वो कई बार क्वेश्चन में आया है कि फाइव चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है, तो आंसर है रेप्टाइल्स में या सरीसृप में। एकमात्र रेप्टाइल, द ओनली रेप्टाइल जिसमें फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, तो वो क्रोकोडाइल है। मगरमच्छ के हृदय में चार कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। बर्ड, सभी पक्षियों में फोर चैम्बर्ड हार्ट, और मैमल्स जो स्तनधारी जीवों में फोर चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन बीइंग जो है मैमल है, तो हमारे भी जो हार्ट होगा वो कैसा होगा, फोर चैम्बर्ड होगा। तो ये कंपैरिजन हो गया डिफरेंट हार्ट सभी अलग अलग कशेरुकीय जीवों में, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, तो अभी तक हमने जो है हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट डिस्कस किया, इसके अलावा अलग अलग चैम्बर्स की जो है संख्या जानी, जो अलग अलग जीवों में पाई जाती हैं। कुछ जीवों में दो चैम्बर का हार्ट होता है, कुछ जीवों में तीन चैम्बर का, कुछ में चार, और कुछ में जो है तीन चैम्बर तो होते हैं लेकिन उसमें भी नीचे वाला चैम्बर जो है एक से अधिक भागों में डिवाइड होता है, तो फाइव चैम्बर हार्ट भी कहलाता है, ठीक। इसके बाद यदि हम लोग हमारे ह्यूमन हार्ट की बात करें, तो इसमें जो है वॉल्व पाए जाते हैं। अब जैसे चैम्बर्स हैं, तो चैम्बर्स के बीच में जो ब्लड फ्लो करेगा, इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए, या डिस्चार्ज के समय जो धमनियों में ब्लड फ्लो होगा उसके भी बैक फ्लो को जो है रोकने के लिए हमारे हार्ट में जो है वॉल्व पाए जाते हैं। टोटल चार वॉल्व हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें याद रखिए कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करते हैं, वालिंद और निलय को अलग करते हैं, इसमें जो बाईं ओर पाया जाता है उसको कहा जाता है मिट्रल वॉल। ये आप देख रहे होंगे कि बाईं ओर जो पाया जाता है उसको कहा जाता है मिट्रल वॉल, और जो दाईं ओर पाया जाता है उसको कहा जाता है ट्राइकप्सिड वॉल,
ठीक है, तो ट्राइकप्सिड वॉल और मिट्रल वॉल ये आलिंद को निलय से अलग करते हैं, एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करते हैं। दूसरा नाम इनका जो है, दोनों को कॉमनली कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, तो मिट्रल वॉल और ट्राइकप्सिड वॉल जो हैं इनको कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, अच्छा मिट्रल वॉल जो है ये जो है लेफ्ट साइड का वॉल है, और ट्राइकप्सिड जो है ये राइट साइड का वॉल है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा जो हमारी महाधमनी को बंद करता है, मतलब महाधमनी पर लगा होता है, इसको कहा जाता है एओटिक वॉल। ठीक है, महाधमनी वॉल या एओटिक वॉल। और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी पे होता है, फुफ्फुस धमनी पे होता है, इसको कहा जाता है पल्मोनरी वॉल। ठीक है, तो टोटल चार वॉल्व हैं, दो वॉल्व जो हैं मिट्रल वॉल्व और ट्राइकप्सिड वॉल्व जो हैं ये क्या करते हैं, तो ये एट्रियम को आलिंद को वेंट्रिकल निलय से अलग करते हैं। एओटिक वॉल्व जो है ये महाधमनी में बैक फ्लो को रोकता है, और पल्मोनरी वॉल्व जो है ये हमारी फुफ्फुस धमनी में जो है बैक फ्लो को रोकता है, हाँ ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। ठीक, तो ये देखिए अभी तक जो हमने हार्ट के बारे में जाना, हृदय के बारे में जाना, कि हमने ये जाना कि ये मांसपेशियों से बनी संरचना है, मेजरली इसमें मांसपेशियां पाई जाएंगी। बाहर की तरफ हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में पढ़ा, पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ा। ठीक, इसके अलावा फिर हमने जाना कि इसमें चार चैम्बर हैं, चार कक्ष हैं। ऊपर के कक्षों को आलिंद या एट्रियम ऑरिकल्स कहा जाता है, नीचे के कक्षों को निलय वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अच्छा, दूसरा हमने कंपैरिजन किया सभी जीवों में जो है, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स में, तो मछलियों में दो, सरीसृपों में तीन, उभयचर में तीन, और पक्षियों में, मैमल्स में मतलब स्तनधारी जीवों में, साथ ही साथ क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। और इसके अलावा हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है इसमें चार वॉल्व पाए जाते हैं, फोर वॉल्व पाए जाते हैं। दो वॉल्व जो एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करते हैं, बाईं तरफ मिट्रल, दाईं तरफ ट्राइकप्सिड। अच्छा, दो वॉल्व जो धमनियों पर होते हैं, महाधमनी पे होगा एओटिक वॉल्व, और पल्मोनरी धमनी पर होगा पल्मोनरी वॉल्व, फुफ्फुसी वॉल्व या महाधमनी वॉल्व। ठीक है, तो ये अभी तक जो है इतना हमने डिस्कस किया है। अब ये हमारा जो है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 था, इसके आगे की बात जो है हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग हार्ट के बाकी पार्ट को डिस्कस करेंगे, कि इसमें जो है बाकी चीज़ें क्या पाई जाती हैं, और साथ ही साथ इसकी वर्किंग को भी डिस्कस किया जाएगा। तो हमारी ये क्लास जारी रहेगी। ये अभी हमारा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 था। ठीक है ना, पार्ट 2 जो है आपका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। आप इस वीडियो से जुड़े रहे इसके लिए आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू। और साथ ही यदि आपको ये लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, साथ ही साथ आपके अन्य दोस्तों को भी जो है ये हेल्प पहुंचा सकता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।